अब तो आप सबको एंटरटेनमेंट का हार पहनाने आ रही हैं साइली सालुंके, जो नजर आने वाली हैं सोनी टीवी के नए शो पुकार में, जहां पर वो निभा रही हैं वेदिका का किरदार, जो एक लॉयर है। और ये तो है दो बहनों की कहानी जो जयपुर बेस्ड है। आज तो हो रहा है इनका प्रोमो शूट, तो चलिए फटाफट देखते हैं कैसा है साइली का ये न्यू लुक। करते हैं इनसे ये खास मुलाकात। साइली का हुआ मेक ओवर। नया अंदाज, नया किरदार। नए सीरियल की पुकार। जी हाँ, आप सभी की प्यारी वंदना यानी कि साइली सोलंके बहुत जल्द सोनी टीवी के नए सीरियल में नजर आने वाली है, स्पाई बहू में दृष्टि, बहुत प्यार करते हैं मैं इंदु और बातें कुछ अनकही सी में वंदना का किरदार निभाने के बाद अब साइली सोलंके नए किरदार में ढल गई है और उनके किरदार का नाम है वेदिका। वेदिका जो बहुत ही दिल खुश है, अपनी मुस्कान से सभी का दिल जीत लेती है और सच्चाई की राह पर चलती है, लेकिन उसे तलाश है अपनी बहन की। कुछ ऐसा ही है इनका आने वाला नया सीरियल। फिलहाल तो हम पहुंच गए हैं सीरियल के प्रोमो के शूट पर, जहां पर हमारी मुलाकात हो गई है साइली सोलंके से। तो आइए जानते हैं कि साइली सोलंके इस नए किरदार यानी कि वेदिका के रूप में कैसे ढलती है, कैसा है उनके नए किरदार का अंदाज और क्या है इस नए सीरियल में खास। एक नए किरदार के साथ नई छवि और एक नया प्रेजेंस क्रिएट करने के लिए साइली इस वक्त हमारे साथ है। साइली, पहले सबसे तो बहुत ही छोटा सा मैं कहूँगी कि ऐसा टीवी एड जैसा ब्रेक होता है 10 सेकंड का, 20 सेकंड का, उसी की तरह साइली इस वक्त हमारे साथ है। सो साइली, किस तरह से क्रैक किया ये रोल? पता नहीं, आई वॉज ऑल्सो नॉट प्रिपेयर्ड। मुझे लगा कि लास्ट शो के बाद थोड़ा टाइम लगेगा, आई टेक गुड टाइम, बट लकीली शायद पापा भी चाहते थे कि मैं करूँ कुछ तुरंत, और ऑडिशन दिया एंड दे लव्ड इट, दे गॉट देयर वेदिका। तो इस कैरेक्टर का नाम है वेदिका, जिसके लिए मैं रेडी हो रही हूँ, तो उन्हें उनकी वेदिका मिल गई और मुझे नया शो। सो यस, आई एम डूइंग अ न्यू शो फॉर सोनी। शो का नाम मैं अभी नहीं बताऊँगी, आपको अपने आप पता चल जाएगा जब आप देखेंगे प्रोमो। बिल्कुल, तो आज हम देखेंगे कि कितनी मेहनत करती हैं साइली तैयार होने में, पर्दे पर आने के लिए, चमकने के लिए। साइली, अप्रॉक्स कितना समय लगता है और आज हम क्या क्या करने वाले मेकअप में? सिर्फ अपनी बात नहीं करूँगी, यूजुअली सारी लड़कियों को 45 मिनट से ज़्यादा ही टाइम लगता है रेडी होने में, तो मैं उनके हिसाब से, उनके मामले में बहुत कम टाइम लेती हूँ। दादा ने बेस तो कर लिया है, अब देखते हैं आगे का मेकअप, और आप तो देखते ही रहिए, बाद में बताती हूँ बाकी की चीज़ें। साइली का नया किरदार जितना सिंपल और सोबर है, मेकअप भी बिल्कुल सिंपल और न्यूड है, ज्यादा तामझाम नहीं। सिंपल बेस, सिंपल कटिंग, सिंपल आई शेडो, सिंपल आईलाइनर और सिंपल हेयर स्टाइल, और इसी सिंपल लुक के साथ साथ इनका पहनावा भी बिल्कुल सिंपल है।
सो फाइनली मेकअप हो गया है और आज मैंने खुद नहीं किया, हर रोज़ मैं खुद मेकअप करती हूँ, बट आज पहला दिन था, प्रोमो शूट है, सो मेकअप दादा को ज़्यादा आइडिया है इस कैरेक्टर के बारे में, तो यस आज उन्होंने मेकअप किया है और हमें लगा है करीबन एक घंटा मेकअप कंप्लीट करने में, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें जो रेफरेंस दिया गया है उन्हें वो मैच करना था, तो आज पहला दिन है इसलिए एक घंटा लगा, बट आई एम श्योर अगली बार से 40-45 मिनट्स में हमारा मेकअप हेयर दोनों साथ में ख़त्म हो जाता है। पहले तो एज यूजुअल बेस करते हैं हम, क्योंकि स्किन टोन इवन करने के लिए, देन लड़कियाँ लाइनर मस्कारा, ओ मस्कारा बचा शायद, आईब्राउज, लिपस्टिक, ब्लश ऑन, ब्रॉन्जर एंड और क्या बचा है, या दैट्स इट। सो ओवरऑल तो सब कुछ हो गया, बस अभी कपड़े चेंज करने हैं और वेदिका बनना बाकी है, दैट्स इट। ये फैक्ट है कि मुझे मेकअप के बारे में ज़्यादा नहीं पता है। एक रेगुलर मेकअप होता है मेरा जो मैं रोज़ करती हूँ, तो मुझे इन चीज़ों के बारे में बहुत कम पता है, बट जितना सीखा है मैंने, एक बेस कोट होता है और उसके ऊपर शिमर लगाया जाता है और क्रीज लाइन पे थोड़ा सा वो दे डू द क्लीन स्टफ विद द ब्रश, तो यस थोड़ा शिमरी सा लुक दिया है बिकॉज थोड़ा पहला दिन है, अच्छा दिखाना है, तो थोड़ा सा ग्लॉसी करने की कोशिश की है हमने, बट सटल भी रखा है उसे। लिपस्टिक शेड की बात करूँ तो कोशिश की है उसे थोड़ा न्यूट्रल रखने की, पिंकिश, मॉव, थोड़ा बेज में, मतलब मैं ज़्यादा लाउड कलर्स नहीं प्रेफर करती बिकॉज लाउड मुझ पर सूट नहीं करते, रेड या मरून डजंट सूट्स मी, तो मैं थोड़ा सा बेज या पिंक में ही जाना प्रेफर करती हूँ। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट माई हेयर, तो आई हैव शॉर्ट हेयर, बस कैरेक्टर के लिए हमें विग यूज़ करना पड़ता है, तो येस वी आर यूजिंग दिस विग। मेरे बाल इतने हैं तो हमें थोड़े बड़े दिखाने होते हैं एंड वॉल्यूम दिखाना होता है, सो यूजुअली हम टीवी में विग यूज़ करते हैं जिससे हमारे बाल रोज़ आयन होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, तो डैमेज कम होते हैं और हमारे बाल अंदर रहते हैं, सो दिस इज़ माई लुक। सो ये मेरा आज का आउटफिट है, ये पहला आउटफिट है और बहुत सारे आएंगे, मैं आपको बाकी तो लुक के बाद ही बताऊंगी क्या है कैरेक्टर, बट अभी एक छोटा सा बता देती हूँ। ये लड़की एक लॉयर है, तो एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, स्मार्ट है, लॉयर है तो बहुत कॉन्फिडेंट भी है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये कैरेक्टर मुझसे सिमिलर है, लाइक सिमिलर टू साइली, तो शायद इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा, बस डिफ़िकल्ट एक केस में होगा कि प्रीवियस कैरेक्टर से मेरा ये कैरेक्टर थोड़ा अलग है, तो येस विल बी लिल डिफ़िकल्ट फॉर मी, बट मुझे लगता है मुझे साइली को बाहर निकालना है तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा उस मामले में। तो अभी मैं आपको चेंज करके मिलती हूँ, इस आउटफिट में आती हूँ एंड फिर आपसे मिलती हूँ, सो सी यू, बाय। थोड़ा पिंक फ्लोरल रखने की कोशिश की है और हमने रोज़ गोल्ड ज्वेलरी रखी है, सो थोड़ा प्रिटी लगे, सो आई डोंट नो, आप ही मुझे बताइए कि कैसी लग रही हूँ मैं। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द प्रोमो, तो ये बहुत प्यारी कहानी है जो मैं अभी नहीं बताऊँगी, आप शॉर्ट प्रोमो देखना तो आपको पता चल जाएगा, इट्स जस्ट ये वेदिका के ज़रिए बता रही है पूरी कहानी, पूरा प्रोमो वैसा ही है, सो देखना ज़रूर, मैं अभी कुछ नहीं बताऊँगी, मैं स्पॉइलर नहीं दूँगी। साइली अपने किरदार में ढल चुकी है, यानी कि वेदिका बन चुकी है। Thank you.
वेदिका जयपुर की रहने वाली लड़की है। ऐसे में इस प्रोमो शूट के दौरान सेट पर जयपुर शहर की गलियों को दर्शाया गया है जहां पर वेदिका रहती है। तो आइए चलते हैं वेदिका संग और करते हैं उनकी गलियों की सैर, साथ ही जानेंगे वहां की खासियत भी। सो हाय हाय हाय, फाइनली हम आ गए हैं जयपुर के मार्केट में, जहां मैं आपको आज घुमाऊंगी जयपुर का मार्केट जो है वेदिका का घर। सो यहाँ है हमारी कठपुतलिया, कितनी प्यारी है सी, बहुत देखे है, बहुत फिल्मों में भी देखे है। और मुझे लगता है वेदिका जब यहीं पे पली बड़ी है तो आई एम श्योर वो ये सारे खेल खुद भी मुझे लगता है प्ले करती होगी। तो यस, बहुत क्यूट है यार। देखो साइली, पता नहीं वो कठपुतली तो नहीं है, वो अपनी मन की अपनी मर्जी की मालकिन है, तो करती तो अपनी मर्जी की है, जैसे वेदिका भी करती अपनी मर्जी की है, कठपुतली बन के नहीं रहती वो लोगों को बनाती है कठपुतलियाँ। सो यहाँ पे बैग्स का शॉप है, मैं आपको ये वाली शॉप दिखाती हूँ, आ जाओ कम, यहाँ पे सारी विंटेज चीज़ें हैं और बहुत प्यारी है। हाय कम यार, आई विल शो यू दिस, लुक एट दिस प्लेस। सो आई एम श्योर आप सबने देखा होगा कि आजकल लोगों को विंटेज का बहुत शौक है। सो सीधे से बहुत प्यारा विंटेज लुक है, देयर आर शैंडलियर्स, ये समय है, यहाँ पे हम दिए जलाते हैं, इट्स रियली ब्यूटीफुल। और अभी मैं आपको जयपुर का स्पेशल, एक स्पेशल चीज़ है जो सारी लड़कियों को पसंद है और लड़कियाँ शॉपिंग के लिए वही जाती है और वही चीज़ लेने जाती है, वो मैं आपको दिखाती हूँ कम। सो दीज आर जयपुर स्पेशल जूतीस, मोजरी भी कहते हैं हम इन्हें, बहुत प्यारी है एंड मेरी फेवरेट है और मैंने आज पहनी भी वही है। सो ये मेरी सबसे फेवरेट चीज़ है, मुझे इस पूरे मार्केट में अगर सबसे फेवरेट मेरा कुछ हो तो वो है मुजरी की शॉप। मैं बहुत सिंपल प्रेफर करती हूँ, मुझे लगता है वेदिका भी और साइली भी, तो मैं कुछ I might choose this कर सकती हूँ, और कुछ ऐसा लिल कलरफुल फॉर द कैरेक्टर, और ये भी बहुत प्यारी है। एक बार आप सारे देख लो और आप बताइए कि आपकी सबसे फेवरेट कौन सी, और आपको क्या लगता है कि वेदिका पे क्या सुंदर लगेगा। ये एक ऐसी चीज़ है जो हम मुंबई वालों के लिए बहुत मतलब एक आकर्षित कर देता है हमें, ये कि हमें इस पे सवारी करनी ही होती है। सो यस, ये हमने बहुत जयपुर में हर जगहों में देखी होगी ये साइकिल, और इस साइकिल पे सवारी करने का मज़ा ही कुछ और है। अभी तो भैया है नहीं चलाने के लिए, मैं तो बस आपको दिखाने के लिए यहाँ पर बैठी हूँ, बट ये सवारी मेरी सबसे फेवरेट है, सो आई लाइक इट। मैं नेक्स्ट वीडियो में शायद आपको दिखा दूँगी। एक बहुत सुलझी हुई लड़की है, बहुत प्यारी लड़की है, इंडिपेंडेंट है, लॉयर है, सो ठहराव भी है, और साथ ही साथ अपनों के साथ बड़ी चुलबुली सी है, बड़ी क्यूट है, मतलब मुझे लगता है कि सबको पसंद आएगी ये लड़की, ऐसी प्यारी सी लड़की है वेदिका, जिसका किरदार मैं प्ले कर रही हूँ। आज के प्रोमो के बारे में अगर मैं बताऊँ तो वेदिका के ज़रिए ये कहानी आपको देखने मिलेगी, जहाँ पर वेदिका एक बाबा से मिलती है और वो उसे किसी और नाम से पुकारते हैं, तो वेदिका इज़ वेरी क्लूलेस कि ये क्या है, मेरा नाम तो वेदिका है। तो ही सेज़ कि नहीं बेटा, तुम्हें नहीं पता तुम्हारी कहानी। वेदिका बहुत क्यूरियस होके सुनने लगती है क्या बताना चाह रहे हैं, एंड जब वो सुनती है तो उसे अपने फ्लैशेस याद आते हैं, बहुत सारे फ्लैशेस आते हैं, वो अपने फ्लैशबैक में चली जाती है, शी कुड जस्ट विजुअलाइज कि उसके बचपन में क्या हुआ था। एक ऐसी कहानी वो बाबा बताते हैं जिसके बारे में खुद वेदिका को पता ही नहीं है, तो वो उसके पास्ट के बारे में बताते हैं, उसे याद दिलाने की कोशिश करते हैं, एंड उसे याद ही नहीं आ रहा है, बट फिर भी वो कोशिश कर रही है, एंड उस फ्लैशेस के ज़रिए हम पूरी कहानी बताते हैं, कैसे दो बहनें
बिछड़ गई थी बचपन में, कैसे साथ आते हैं, कैसे अपनी माँ से मिलते हैं, एंड एक कहानी की एक छोटा सा टीज़र आपको देखने मिलेगा। सो बहुत प्यारी सी कहानी है दो बहनों की, जो बहुत अलग है बट दिल से जुड़े हुए हैं और अपनी माँ से जुड़े हुए हैं। तो कैसे मिलेंगे, कैसी उनकी जर्नी रहेगी, ये सब आपको इस शो में ज़रूर देखने मिलेगा। फ़न होगा एंड आई एम श्योर। मैं बस इतना कहूँगी कि जितना आप सब लोगों ने मुझे अभी तक प्यार किया है, ऐसे ही प्यार करते रहिए और ये मेरा नया शो ज़रूर देखिए। इसी के साथ सास बहू और बेटिया संग बातचीत का सिलसिला तो खत्म हुआ, लेकिन सिलसिला शुरू हुआ है इस सीरियल के प्रोमो शूट का, जहां पर वेदिका गली गली ढूंढ रही है अपनी बिछड़ी हुई बहना को। अपनी बहन के बारे में जानने की कोशिश में जुटी है, हर दुकानदार से उसका पता पूछ रही है। तो देखना होगा कि ये वेदिका क्या अपनी बहन की तलाश पूरी कर पाएगी और क्या उसकी राहों में कई अड़चने आएंगी। उम्मीद करते हैं कि साइली सोलंकी का ये नया किरदार और नया सीरियल दोनों ही सभी दर्शकों को खूब भाए। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 पहनाते हैं आपको एंटरटेनमेंट का हाथ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको पता है आपको क्या करना है, जल्दी से इसे लाइक कीजिए और कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी जल्दी से फॉलो कीजिए और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अब तो हम आ गए हैं आपके व्हाट्सएप पर भी, नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।